बिग बॉस के घर के अंदर सभी लड़कों को हराकर इस कंटेस्टेंट ने बाजी मार ली है और बन गया है किंग। जी हाँ, यानी कि किंग का जो ताज है वो इस एक्टर के, इस सेलिब्रिटी के, इस कंटेस्टेंट के सर पर छा चुका है, ताज सज चुका है। आखिर कौन है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उसके पहले वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। सोशल मीडिया पर इस वक्त हमेशा, वैसे तो वीकेंड का वार जब आता है उसके पहले एक कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। जब भी वीकेंड का वार खत्म होता है तब से लेकर अगले वीकेंड का वार तक ये कंपटीशन चलता है और वो होता है किंग ऑफ द वीक और क्वीन ऑफ द वीक का। इस पूरे हफ्ते घर के अंदर बहुत सारे लोग अप्स एंड डाउन्स के थ्रू गुजरे, बहुत सारे लोग रोए, इमोशनल हुए, लेकिन एक ऐसा बंदा है जो रोकर भी उसने कॉन्टेंट दिया और उसी के साथ साथ बाद में ट्रोल कर भी उसने कॉन्टेंट दिया। जी हाँ, अब तक आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रही हूँ इस हफ्ते कौन रोया, MC Stan। MC Stan भले ही वीक जब शुरू हुआ तो वो काफ़ी वीक थे, लेकिन वीक जब एंड हुआ तो वो उतनी ही बुरी तरीके से स्ट्रांग बन चुके थे और उन्होंने कहीं ना कहीं वो वीकनेस को अपनी पैशन में बदल दिया और स्ट्रांगनेस में बदल दिया। मैं इस वक्त आपको बता दूं कि MC Stan जो है उन्होंने सभी को पछाड़ कर नंबर वन की पोजीशन हासिल कर ली है। जी हाँ, देखिए मैंने आपको बताया था कि इस हफ्ते सबसे ज़्यादा वोट्स जिसको इस वक्त आ रहे हैं इस बॉस ऑफ द वीक के लिए, उस लिस्ट में शिव का नाम टॉप पर था, क्योंकि शिव इस पूरे हफ्ते कैप्टन भी रहे, काफ़ी ज़्यादा उनका स्वैग भी नज़र आया, काफ़ी ज़्यादा उनके चर्चे भी हुए, तो शिव का पलड़ा थोड़ा सा भारी था। लेकिन वीक एंड होते होते लास्ट के दो एपिसोड्स में जिस तरीके से स्टैन ने यू नो गेम चेंज किया, शालीन के बारे में उन्होंने काफ़ी जगह ओपिनियन दिया, सुम्बुल के साथ बातचीत करते हुए काफ़ी ओपिनियन दिया, और फिर जिस तरीके से स्टैन ने अर्चना के साथ जो लड़ाई हुई उस दौरान जो वन लाइनर्स मारे, अब उसमें से क्या चीज़ें अच्छी थी क्या चीज़ें बुरी थी वो तो आप ही जानो एज अ व्यूअर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन चीज़ों पर फैंस का, स्टैन आर्मी का बाहर बड़ा तगड़ा रिएक्शन आया है। जी हाँ, स्टैन आर्मी ने तो ये तक कह दिया कि भाई बॉस हो तो स्टैन जैसा। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि बाहर MC Stan के वन लाइनर्स की भी खूब तारीफें हुई है। अब ऐसे में चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए स्टैन, MC Stan बन गए हैं इस हफ्ते के बॉस ऑफ, MC Stan इज द बॉस। जी हाँ, यानी कि स्टैन आर्मी बड़ी खुश है, अब कोई नहीं करेगा इनको क्रॉस बिकॉज MC Stan इज द बॉस। इस तरह की एक धांसू सी स्टाइल में, धांसू सी लाइन में जो है बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया है कि MC Stan इस हफ्ते जीते हैं और बन गए हैं बॉस ऑफ द वीक। अब तक जो भी बॉस ऑफ द वीक बनता है उसे यू नो बाहर जनता का प्यार ताबड़तोड़ मिलता है और MC Stan के साथ ऐसा ही हो रहा है। तो जैसा मैंने कहा, घर के सभी लोगों को पछाड़ कर जीता कौन, MC Stan।